हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, हम आए हैं आज कवाल और आपको दिखाएंगे कि ईंट कैसे बनती है और उस ईंट की पकाई कैसे होती है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो दिख रही है ये यहाँ पे कच्ची ईंट है और उधर ट्रैक्टर लगा हुआ है। उस कच्ची ईंटों को ट्रैक्टर से भट्टे में ले जाया जाता है और उसके बाद हम आपको भट्टे में जाके दिखाएंगे कि कच्ची ईंटें कैसी लगती है, लगाई जाती है और कैसे पकती है ये ईंटें। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे उस भट्टे के अंदर जहाँ पे ये जाके ईंट वहाँ पे लगाई जाएगी और फिर उसके बाद उस ईंटों की पकाई होगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम भट्टे पे तो पहुंच गए हैं, अब आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या कैसे कैसे काम किया जाता है। And all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भट्टे के अंदर कच्ची ईंटों को इस तरह से सजाया जाता है और फिर उसमें ईंधन झोंका जाता है और उसके बाद पक्की ईंटें बनती है। तो हम अब आपको दिखाने वाले हैं कि ईंटें कैसे पकाई जाती है। ये ट्रैक्टर लगाया जा रहा है कच्ची ईंटों का और सुबह के टाइम यहाँ पे ईंटों को फिर से लगाना स्टार्ट कर दिया जाएगा ऊपर। और जो यहाँ पे कच्ची ईंटें लगी हुई हैं वहाँ पे उनको राख से दबा दिया गया है। और उधर देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ड्रम रखे हैं वहाँ पे ईंटों को पकाया जाता है, उसमें ईंधन झोंका जाता है और फिर उसके बाद ईंट पकती है आग से। आधे आधे कटे हुए ड्रम रखे हुए हैं, इन ड्रमों के अंदर ईंधन भरा हुआ है। देख सकते हैं कोयला और कार्बन और ईंधन भरा हुआ है। और आप ये जो कढ़ाई देख रहे हैं, ये कढ़ाई हटाने से इसको इसमें झोंका जाता है और आपको दिखाते हैं इसके अंदर कितनी आग है ये कढ़ाई हटा के। तो अब हम एक ये ऊपर का जो कढ़ाई रखी हुई है इसे हटा के आग की वो इसके अंदर कितनी टेम्परेचर पर ईंट पकती है ये दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से आग भुका है, बिल्कुल समुंदर है और इतनी टेम्परेचर पर यहाँ पर ईंट पकती है, आप खुद देख सकते हैं। और दोस्तों, वहाँ से लगा के इस भट्टे के अंदर वहाँ तक और वहाँ तक दूर तक आग फैली हुई है और ये सब ईंधन रखा हुआ है यहाँ पे। तो ईंट पकने के बाद जब ईंट पक जाती है तो उसकी निकासी होती है और पक्की ईंट को भट्टे से बाहर निकाला जाता है। अब हम फिलहाल आपको वही दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब ये इस फिलहाल इधर निकासी हो रही है, जो ईंट पक चुकी है उसको भट्टे से बाहर निकाला जा रहा है। पहले इसके ऊपर से राख को हटा देते हैं और ईंटों को चमका देते हैं और फिर ईंटों को यहाँ से भट्टे के बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं संदीप भाई, और यहाँ से इस भट्टे के अंदर से पक्की ईंटों को निकाल के बाहर ले जा रहे हैं, इस जुगाड़ के अंदर भरे हुए हैं और आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस जुगाड़ में ईंट भर ली गई है और इस जुगाड़ को भट्टे से बाहर ले जाया जा रहा है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जल्दी से ग्रो हो सके और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सके। तो थैंक यू दोस्तों।